Assalamu alaikum my dear students I hope you all are doing great in today's lecture we will be studying the Puritan age in English literature and basically Will be studying its characteristic features so after the Renaissance period we're talking about the Puritan period or the Puritan age where we can see the dates which are from 1600 to 1660 so basically this is a uh, 17th century that we are referring to without wasting any other second let's get started if I'm talking about the characteristics of Puritan age for that we should at least know what basically is Puritan age and what do we mean बाई टर्म तो बेटा द टर्म प्योरिटिन मीनस यहाँ से आपको इस टर्म का मतलब सबसे पहले समझना है प्योरिटन का मतलब होता है टू प्योरिफाई बेसिकली ये उस ग्रुप ऑफ़ पीपल को प्योरिटन्स एक ग्रुप था एक तंजीम थी जैसे आजकल हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल तंजीम है ना जैसे कि पी है जैसे कि और बहुत सारी आ, अवामी नेशनल पार्टी है और इस तरह डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस तरह हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट फेडरेशनस होती हैं तो जैसे कि ग्रुप ऑफ़ पीपल होता है और उस जिस मकसद के लिए वो काम कर रहे होते हैं उन्होंने अपना नाम वही लिखा होता है इसी तरह ये भी इंग्लैंड में उस वक्त एक ग्रुप ऑफ़ था जो कि कैथोलिक चर्च को प्योरीफाई करना चाह रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने अपना नाम प्योरिटन रखा जिसका मतलब टू प्योरीफाई है तो अब ये प्यूरिटन्स इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अब ये बेसिकली कौन थे दे वर द इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स इन दैवन सिक्सटी एंड सेवनटीन सेंचुरी तो सम हाउ ये रिनेसा uh, पीरियड से ना ये ग्रुप बनना शुरू हो चुका था जो हमारे पास सिक्सटीन सेंचुरी थी और अब चूँकि ये अपने एरा में आ गया है जो कि सैवनटीन सेंचुरी इसका अपना एरा जो है वो सेवनटीन सेंचुरी जैसे हम द प्योरिटन एज कहते हैं तो बेसिकली ये वो इंग्लिश uh, प्रोटेस्टेंट्स का ग्रुप था जिनका मकसद था हु प्योरीफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम वर्ट दे सो आस कैथोलिक प्रैक्टिस ये डिफरेंट रॉन्ग कैथोलिक प्रैक्टिस इमोरल कैथोलिक प्रैक्टिस से चर्च को प्योरीफाई करना चाहते थे इनका मकसद ये था कि जिस पहले जो कैथोलिक चर्च था जिसमें डिफरेंट कैथोलिक प्रैक्टिस होती थी ह्यूमन को बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी ह्यूमन को मॉरल्स की इजाज़त नहीं थी जो चर्च बता देती थी वैसे ही किया जाता था और बहुत सारी और चीज़ें तो बेसिकली उसको प्योरीफाई करना चाह रही थी लेकिन आप बिल्कुल ये मत समझें किफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटेस्टेंट ग्रुप तो आप कहें कि ये बिल्कुल ही चर्च नहीं 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 इन्होंने कहा कि प्रोटेस्टनिज़्म का जो स्लोगन है प्रोटेस्टनिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो महज ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमनिज़म पे फोकस किया जाए सेक्युलरिज्म पे फोकस किया जाए नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से मॉरल्स को फोकस किया जाए सिन को अगर कुछ गुनाह है कुछ सवाब है तो उस पे फोकस किया जाए ज़िंदगी गुना और सवाब के हिसाब से गुजारी जाए सेलवेशन की तरफ जाया जाए यानी अटोनमेंट की तरफ माफ़ी की तरफ इंसान ने जो जिंदगी में गुना किए उसकी माफ़ी होनी चाहिए तो आप देखें कि ये एक शिफ्ट दोबारा आ रहा है जहाँ हम ह्यूमज़म और जहाँ हम सेक्युलरज़म और इंडिविजुअलिज्म से वापस ज़रा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं तो प्रोटेस्टेंट्स सेट वी आर नॉट कैथोलिक्स राइट बट स्टिल वी आर रिलीज समझ कि ये बेटा अच्छा राइट right. ओके hmm. okay. अब बहरहाल जब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अब इस पर बहुत डिटेल है लेकिन वी विल बी वेरी स्पेसिफिक टू आर कोर्स और हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स पढ़ते हैं जो कि इस एरा को इस टाइम को डिफ़ाइन करता है तो हमारे पास सिक्स पॉइंट्स हैं जो कि इस एरा को अच्छे से हाईलाइट the the religious and moral focus. That the Puritan age was marked by a strong emphasis on religious themes, particularly Protestant and Puritan ideologies. Unlike the Renaissance, which celebrated humanism and secularism, Puritan literature sought to reinforce moral and spiritual values, often centering on God, sin and salvation, the strong emphasis वो रिलीजियस थीम्स पे था ख़ास तौर पर जो प्रोटेस्टेंट्स की और प्योरिटन्स की आइडियोलॉजी थी उनके ऊपर था जो ऑलरेडी मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हल्का सा सरसरी कहते जैसे रिनेसाव पीरियड में ह्यूमनिज़म सेक्युलरिज्म को सेलिब्रेट किया गया था ऐसा ही था प्योरिटन लिटरेचर में मॉरलम को सेलिब्रेट ह्यूमन मॉरल सही गलत की तमीज़ सिखाई गई है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमें आ, स्पिरिचुअल वैल्यूज दिखाई गई हैं ठीक है बेटा हमें यह बताया गया कि खुदा कौन है खुदा के गिरद सारी चीज़ें घुमाई गई हैं गुना सवाब का कॉन्सेप्ट माफ़ी का कॉन्सेप्ट गुनाहों से अपने आप को धोने का कॉन्सेप्ट वापस वो रिलीजियस थीम्स में हम देख रहे हैं और इसमें इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा इंहैंस करूँ तो हमारे पास दूसरा ट्रेट आ जाता है वो है प्लेन एंड डायडेक्टिक स्टाइल बेटा डायडेक्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग वो राइटिंग स्टाइल होता है जो लेसन बेस्ड होता है जो मॉरल बेस्ड होता है वो राइटिंग्स वो स्टोरीज़ जो कि कोई मॉरल कोई सबक कोई लेसन देती हैं हमें उसको डायडेक्टिक राइटिंग स्टाइल कहते हैं तो कहते हैं कि इस एज का जो राइटिंग स्टाइल था वो बड़ा सिंपल था बड़ा प्लेन था और बड़ा मॉरल बेस्ड था जिसमें कोई मॉरल कोई

उनका मकसद था सिंपल राइट सीधा सादी बात लिखते थे सिंपल प्लेन तरीके से लिखते थे आप देखें रेनिस पीरियड में चूँकि क्लासिकल आर्ट और राइटिंग को क्लासिकल चीज़ों को क्लासिकल लिटरेचर को वापस रिवाइव किया गया था तो जाहिर है वो बड़ा ग्रैंड करके बड़ा ऑर्नेट करके बड़ा शान व शवकत से बहुत उनका ना वो ब्यूटिफिकेशन थी राइटिंग स्टाइल में बड़ी खूबसूरती से और यू नो ज़ाहिर है उस टाइम में शेक्सपियर जैसे राइटर्स थे हमारे पास तो खुद सोच लो बड़ा पोइटिक टाइप का उनका राइटिंग स्टाइल था ठीक है जिसमें वो क्या दिखाते थे जिसमें वो ब्यूटी पे उनका फोकस था क्रिएटिविटी पे फोकस था ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे फोकस था तो उसके ऑपोजिट ये जो प्योरिटन एज है इसका बड़ा सीधा साधा सिंपल राइटिंग स्टाइल था ठीक है बेटा और और इसकी राइटिंग्स मॉरल बेस्ड थी ब्यूटिफिकेशन इसमें नहीं थी ह्यूमन एक्सपीरियंस ये मॉरल कोई सबक अखस किया जा रहा था और ज़्यादातर जो मॉरल्स थे वो रिलीजियस रिलीजियस थे ठीक है और रिलीजियस थे रिलीजन को अपने मद्देनज़र रखते हुए थे अब चूंकि अब मैं ये बात करी तो वही थर्ड पॉइंट इनके बिल्कुल उसमें अकॉर्डेंस में आ रहा है वो है द डिक्लाइन ऑफ द ड्रामा अब यहाँ पे हमें क्या कहते हैं कि विद द राइज ऑफ प्योरिट इन्फ्लुएंस ड्रामा व्हिच फ्लरिश ड्यूरिंग द रेनेसा एंड प्ले लाइक शेक्सपियर वाज सप्रेस्ड द प्योरिटन्स व्यू थ्रेटिकल इंटरटेनमेंट आ सेंटफुल लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन ड्रामेटिक वर्क मैंने आपको बोला ना बेटा कि जो रेनिस पीरियड था ना वो वो टाइम था जहाँ ड्रामा बहुत ज़्यादा पीक पर गया था जबकि प्योरटन एज आया था इन्होंने ड्रामा को थिएटर्स को बड़े बड़े प्ले राइटर्स हमारे पास जो प्ले राइट्स हैं जैसे कि शेक्सपियर और बड़े उनको दबा दिया था सप्रेस कर दिया था वजह क्या थी कि प्योरटन्स समझते थे कि जो थेरेटिकल सॉरी थ्रटिकल बोल रही हूँ थेट्रिकल इंटरटेनमेंट है जो थिएटर चलता है जो ड्रामा लिखा जाता है और थिएटर में प्रेजेंट किया जाता है वो गुनाह है और इससे हमें आखिरत में द डे ऑफ रिसरक्शन में बड़े ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फ़ेस करने पड़ेंगे खुदा हमसे नाराज़ हो जाएगा जिसकी वजह से इस एज में ड्रामा के अंदर बहुत डिक्लाइन आया था ड्रामा बहुत डाउन पे चला गया था इसी तरह नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है एलेग्री एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन बेटा एलेग्री माने क्या है एलेग्री मीन्स सिम्बॉलिक राइटिंग्स ऐसी राइटिंग्स ऐसे टेक्स्ट्स ऐसी कहानी ऐसा लिटरेचर जो कि हिडन मीनिंग दे छुपा मतलब बज़ाहिर तो एक चीज़ बयान कर रहा हो लेकिन उसके अंदर सिम्बलज़म यूज़ हुआ कोई छुपा हुआ मीनिंग कोई हिडन मीनिंग कोई मेन मकसद जो उसमें हिडन है वो थे उसको एलेग्री कहते हैं जैसे मेटाफोर होता है ठीक है इसी तरह एलेग्री मेटाफोर एक ही जैसे होता है तो हम यहाँ पे और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन किस आपकी आ, रूहानियत को रिफ्लेक्ट करना तो अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि द प्योरट लिटरेचर ऑफन यूज एलग्री एंड मेटाफोर टू कन्वे रिलीजियस एंड मॉरल लेसन्स This stands in contrast to the Renaissance, where literature frequently explored. ह्यूमनिज़म पर्सनल एम्बिशन एंड इंडिविजुअल थॉट बिटा कहते हैं कि जैसे आप रिनासा पीरियड में देखें ना वहाँ पे हमने बात की थी कि लिटरेचर क्या चीज़ें एक्सप्लोर करता था ह्यूमनिज़म की बात करता था पर्सनल एम्बिशन की बात करता था इंडिविजुअल थॉट की बात करता था उनके बिल्कुल बरक्स जो इस वक्त की राइटिंग्स थे इस वक्त का लिटरेचर था जो प्योरिटन एज का लिटरेचर था वहाँ पर हमें एलेग्री नज़र आती है वहाँ पर हमें मेटाफॉर नज़र आता है और वह क्यों यूज़ किया गया था वो रिलीजियस और मॉरल लेसन देने के लिए रिलीजन uh, का सबक देने के लिए uh, इंसान मतलब मोरालिटी की बात करने के लिए इंसान को मॉरल सिखाने के लिए सही है uh, आपकी रूहानियत पे बात करने के लिए सारा कुछ रिलिजन के ऊपर इसमें बेस किया जा चुका था इसी तरह नंबर फिफ्थ पर वही वाली बात आ जाती है ना बेटा कि हम उसी तरह बाइबल और थियोलॉजी की बात करें बेटा थियोलॉजी बाइबल तो द होली बुक है राइट क्रिश्चंस की और और इंग्लैंड का रिलीजन था उस वक्त अभी भी है थियोलॉजी बेटा ऐसी राइटिंग्स होती हैं जिस पे गॉड की नेचर को एक्सप्लोर किया जाता है कि खुदा क्या है खुदा की गिरद क्या हो रहा है खुदा कौन है और इसी तरह जो है ना रिलीजियस राइटिंग्स जिन्हें हम कह सकते हैं उस पर बात की जाए उसको थियोलॉजी कहते हैं अब क्या कहते हैं कि द बाइबल वॉज सेंट्रल टू द द्योरेटन लिटरेचर विच वॉज डीपली इंटरवाइंड विद रिलीजियस डिवोशन एंड थियोलॉजिकल डिबेट द रेनिस क्लासिकल टेक्स्ट एंड सेक्युलर नॉलेज फर ऑफ एन रिवाइव एंड सेलिब्रेटेड हाईलाइटिंग अ शिफ्ट इन फोकस अब क्या है रेनेसो पीरियड में हम क्लासिकल टेक्स्ट को क्लासिकल ग्री एनशियट क्लासिकल टेक्सट जो एंशियंट ग्रीकस और रोम के थे उधर का जो लिटरेचर था जो पॉपुलर लिटरेचर था उस टाइम का ठीक है उसको रिवाइव किया था री राइट किया था राइट right? और सेक्युलर सेक्युलरिज्म पे ह्यूमैनिज्म पे इंडिविजुअलिज्म पे उस वक्त बातें की गई थी उसको सेलिब्रेट किया गया था उसके बिल्कुल बरक्स अगर हम प्योरिटी लिटरेचर की बात करें तो उसमें जो सेंट्रल था वो बाइबल था यानी पूरा लिटरेचर बाइबल के गिर्द रिवॉल्व करता है बाइबल को मदे रखते हुए बाइबल को एज एन रेफरेंस रखते हुए लिखा गया है बनाया गया हर कुछ वॉज each and every theme of the time, each, in the entire spirit of the time was moral and religious lesson based, right? तो उस वक्त हमें देखा जाता है कि religious devotion बहुत ज्यादा थी, लोग अपनी जितना भी लिटरेचर बनाते थे वो रिलीजन और बाइबल से डिवोट होकर बनाते थे उस के साथ सेंसियर होकर बनाया जाता था थियोलॉजिकल डिबेट थी जितनी डिबेट्स जितनी राइटिंग्स थी वो सब कुछ गॉड की नेचर बाइबल अल्लाह कौन है मतलब अल्लाह कौन है बाइबल क्या है दीन क्या है दीनी सबक क्या है रूहानियत क्या है इसके ऊपर बेस किया गया था ठीक है बेटा इसी तरह अगर हम बात करें ना बच्चा मेरा आ, सीरियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन की तो इस वक्त की जो मेन वो थी सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है आई एम सो सॉरी Uh this time ka literature very serious tha or self-analysis memoti introspection beta introspection man self-analysis. So Amya that while the renaissance embraced joy, beauty and a celebration of human potential. The Puritan age focused on the serious contemplation of life's purpose, human depravity and afterlife, reflecting a sombre and इंट्रोस्पेक्टिव टोन बेटा यहाँ पे हमें क्या कहा जाता है कहते जैसे कि हम रिंडस पीरियड में जॉय ब्यूटी और ह्यूमन पोटेंशियल की बात करते थे वैसे ही उसके बिल्कुल उलट अगर हम प्योरिटन एज की बात करें तो इसमें सीरियसली ये देखा जाता है कि इंसानी ज़िंदगी का बेसिक मकसद क्या है सही है और इंसान की आफ्टर लाइफ की बात की जा रही है कि इंसान का मकसद क्या है और वो मकसद रिलीजस है वो मकसद यह है कि वज्जे से यहाँ ज़िंदगी गुजारे और फिर ये जो ज़िंदगी है इसके लिए टेस्ट है वो अच्छे काम करे ताकि वो जन्नत में जाए बुरे करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा आफ्टर लाइफ की बात द इ्टरल लाइफ लाइफ आफ्टर हेयर की बात हो रही है ये मकसद है सही है और जाहिर है क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं, हम जब सज़ा और जजा की बात कर रहे होते जब हम आखिरत की बात कर रहे होते तो जो टोन थी वो बड़ी सॉम्बर और इंट्रोस्पेक्टिव थी उस लिटरेचर का जो राइटिंग स्टाइल था टोन माने राइटिंग स्टाइल वो बड़ा ही सॉम्बर और इंट्रोस्पेक्टिव था इंट्रोस्पेक्टिव यानी सेल्फ एनालिसिस खुद को जो है ना क्रिटिकली एनालाइज करना इंसान को कटघरे में हम खड़े नहीं कर लेते उस तरह और सॉम्बर माने ग्लूमी डार्क ज़ाहिर है कि जब हम सजा जजा की बात करते हैं तो वो चीज़ तो बड़ी ग्लूमी बड़ी डल बड़ी डार्क हो जाती है डार्क माने गम की टोन हमें नज़र आती है तो बेटा मेरे ख्याल से दिस वॉज ऑल अबाउट इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट एज आई ऑलरेडी सैड वी स्टिक टू आर And I hope I somehow conveyed the basic traits of the era. और आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि प्यूरिटन ऐज की क्या हासियत है, क्या है, क्या नहीं है। Even after that, if you have any questions, you are free to comment down below. I hope that's it for the day. Thank you. Bye.